ज्यादा जाए, अपने बेनूर चिरागों को ज्यादा जाए, ना कि हम सारी कंदील बुझा दी जाए। सदरकार चखे कोहर की धूप छांत ने, करवटे बदलती हुई गर्दिशे लेने नहार, इस बात की शाहिद है कि ओझे सरैया पर वो कौमें जो रोशन सितारा बन गए, क्या पाशना करती हैं शबाने रोज काबिशों के रंग जगे, अपनी आंखों के आग पीने में सजा लेती हैं। तो वही कौम अगर मैं तारीख की बूढ़ी पेशानी की सिलवटों में पिनहा तारीख आदमियत पर निगाह तोड़ाऊँ, तो तारीख की ये बात अया होती है कि जिस कौम ने भी खुद एहतसाबी की है और अपनी कौम को वक्त के आने में अपने खदोखाल की मुशादगी की है, तो खुदा की कसम कामयाबी उसी कौम के कदमों से निपट गई है। अगर जिस कौम ने खुद एहतसाबी की है कामयाबी उसी कौम के कदमों से निपट गई है। मैं जानता हूँ यह मुश्किल अमल है, लेकिन जो कौमें इसी मुश्किल से गुजर जाती हैं वो अपनी नस्लों का सुख चैन खरीद लेती हैं, वो अपनी नस्लों का सुख चैन खरीद लेती हैं। जनाब सदर, एक दिन मैंने सोचा कि जिस मुल्क को कायद आजम ने इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, मैं देखूं तो इस मुल्क में है क्या, तो मैंने क्या देखा, कहीं पे मैंने भूख में मरते हुए बच्चों को देखा, कहीं पे मैंने सड़क पे सोते हुए आदमियों को देखा, कहीं पे मैंने गरीबों का कतले आम देखा। तो मैंने सोचा ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। नाबे दतर, तो मैं क्यों ना कहूँ वसल के होते हैं सामान बड़ी मुश्किल से, वसल के होते हैं सामान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। सदरकार जर्मनी, रूस, जापान, कोरिया, मैं कितने ही नाम लूँ, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अपने आप को खुद एहतसाबी की राह गुजर किया और आज कुंदन बन गए हैं। दरअसल कौम की खुद एहतसाबी शख्सी एहतसाबी है, हर कौम के का एक फर्द है। जब हर फर्द अपनी इनफरादियत को इज्तिमाइयत में गुम कर देता है तो कौम की जो है तकदीर तरमीम आशना होती है। तो अखबार क्या खूब फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में है, अकवाम की तकदीर अफराद के हाथों में है, अकवाम की तकदीर हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का तारा। सदर, आज मैं अपनी कौम को वक्त के आने में देखूं तो कलीसा वक्त की घंटियों की हर गूंज इस बात की मतकादी है कि मुझे अपना एहतसाब करना है, तुझे अपना एहतसाब करना है, सभी को अपना एहतसाब करना है। आज मेरी कौम की इखलाकी कदरों को जवाब आ चुका है, तासुब की हवाएं सांसों में जहर घोल रही हैं, मुफलिस से लिपटे हुए घरों के सुने आंगन में फाके बरस रहे हैं, जुल्म कसीर है, अदल कलील है। अगर इतने में हमने अपने आप को खुद एहतसाबी की राह गुजर ना दिया तो आने वाला कल भयानक होगा। साथियों, यही वक्त है अपने दर्द का दरमा करने और अपनी सांसों में खुद एहतसाबी उतारना है। जनाब सदर, मैं इस खेल पर आपकी जहमत तमाम करता हूँ। उठो वगरना हश्र ना होगा फिर कभी, उठो वगरना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चार क्यामत के चल गया।